टीम इंडिया को मिला दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी जो भारत को जिता सकता है T20 वर्ल्ड कप। आखिर कौन है वो विस्फोटक बल्लेबाज जो मैदान के चारों ओर 360 डिग्री एंगल में गदर मचा रहा है एंड जिन्हें भारत का एबी डिविलियर्स भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, जिस खिलाड़ी का मैं बात कर रहा हूँ वो हैं सूर्य कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव भारत के एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान के चारों ओर 360 डिग्री एंगल में चौके और छक्के लगाते हैं एंड हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में 55 गेंदों में 117 रनों की धुआंधार पारी खेली थी, जिसमें 14 चौके और 6 छक्के भी लगाए थे एंड उनका स्ट्राइक रेट 212.73 का रहा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, टीम इंडिया इस समय मिशन एशिया कप 2022 और T20 वर्ल्ड कप 2022 की तैयारियों में जुटी है। वहीं टीम इंडिया के नंबर 4 बल्लेबाजी की टेंशन भी अब खत्म होते नज़र आ रही है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के रूप में टीम इंडिया को एक नया नंबर 4 बल्लेबाज भी मिल गया है। दोस्तों, तूफानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अब टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के फेवरेट भी बन चुके हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव एशिया कप 2022 एंड T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भी काफ़ी ज़रूरी हो गए हैं। सूर्य कुमार यादव टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगे। भारत को इस साल अगस्त में एशिया कप 2022 और अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप 2022 भी खेलना है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, सूर्य कुमार यादव का मौजूदा फॉर्म टीम इंडिया के लिए काफ़ी राहत की बात है, क्योंकि बल्लेबाजी के दौरान सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट भी काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। सूर्य कुमार यादव इस साल अगस्त सितंबर में होने वाले एशिया कप 2022 और अक्टूबर नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 में वैसे ही टीम इंडिया को ट्रॉफी दिला सकते हैं जैसे युवराज सिंह ने 2011 के वर्ल्ड कप में भारत को 28 साल बाद चैंपियन बनाया था। दोस्तों, अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि कितना घातक हैं सूर्य कुमार यादव। तो दोस्तों, रोहित शर्मा ने कप्तानी संभालने के बाद सूर्य कुमार यादव को लगातार मौके देने शुरू कर दिए हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव ने वनडे और T20 क्रिकेट फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की कर ली है। सूर्य कुमार यादव अभी तक भारत के लिए 7 ODI और 18 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं एंड अब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं।